अब मैं आपको माइक्रोवेव टिप्स के बारे में बताती हूँ। आज सबसे पहले मैं आपको माइक्रोवेव में पापड़ सेक के बताऊँगी। यदि आपको माइक्रोवेव में पापड़ सेकना नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप रहेगी। आपको मैं बताती हूँ कि आप कितनी आसानी से माइक्रोवेव में पापड़ सेक सकते हैं। गैस पे सेकते हैं तो कई बार जल जाता है, काले काले चिट्टे हो जाते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में सेकने पे नहीं आता। यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें पापड़ सेक सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह सेकता है पापड़ माइक्रोवेव में। ये देखिए, माइक्रोवेव का मैंने स्विच ऑन कर लिया है। अब ये मेरे पास एक पापड़ है। सबसे पहले हम माइक्रोवेव में इस पापड़ को रख देंगे। सिंपल इसी प्लेट पे रख दीजिए, ये जो ग्लास है इसी के ऊपर। और आपको कुछ भी नहीं करना है, माइक्रोवेव ऑप्शन पर ही आपका होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करके मैं 1 मिनट के टेम्परेचर पे इसे सेट कर दे रही हूँ। बस अब ये देखिए, पापड़ रोस्ट होने लगा है। इसकी खुशबू भी आने लगती है। आप खुशबू तो आप फील नहीं कर पाएंगे वीडियो में, पर आप देख सकते हैं। ये देखिए टाइम हो गया, अब हम पापड़ निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितना कहीं से जला नहीं, कितना क्रिस्पी पापड़ तैयार हुआ है। मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ।